अर्थ म्यूजिक प्रेजेंट्स बोलो शंकर भगवान की जय। और कुछ दिखाई ना देता मेरी आंखों में। अरे सुबह सुबह मुंह धो के तो आई ना आया तू, तेरी आंखों में ढीठ दिख रही है। आ जाओ कबाब में हड्डी, दिखाओ अपनी हेडलाइट। अरे कबाब में हड्डी, दिखाओ अपनी हेडलाइट। अरे हमें क्यों मार रहा है, हमको तो जब बचाना है थे। ये रामकिशन को ही देख लो, देख लो आज पता चल जाएगा रामकिशन और कितने भाई थे। चलो जितने खाने खा लो, तारा जी करे पेट भी पार दो ना। बता हमारे घर जाके बता दी मैं पिटता है उसने। मेरे बाप मुझे छोड़ दो, मैं घर तो घर पूरे गांव में भी नहीं बताने का। किसी को बता दी ना कुछ, सारे जान मार दूंगा। अरे समझ जाइए एक बार के मैं। मैंने सालों को अमरूद के पेटों को आज ही फाड़ के गिरूंगा। गुरु को न्यारवार निकल आया ना करा।
दिखा रहे हो? रेवती तेरा ये अठवां सा लाल। चाची मैंने क्या कह दिया, तुम माँ को बोल रहे हो? मैंने कितना अच्छा सूट पहना है। अरे सूट तो अच्छा है, पर कहां तलाई मार गए से? गुरु कैसे उठा लाई होगी? गुरु इनकी छत पर कोई बंदर घेर के चला गया होगा, सब पहन का ही है। चुप, अगर अब की बार कोई सा बोला तो तुम्हारे सारों को बेचकर नमक खरीद लूंगी। अरे छोड़ दे जो, क्यों मुंह लग रही है तुम सुसरों के? मैं ये कह रही थी सूट तो अच्छा लग रहा है, बस मेरे हाथ में एक विंग और होती तो। विंग? अरे पागल हो रही है, रिंग तो ऐसे बोल ली जाए पेड़ पे लग रही हो, तोड़ के तुझे दे दूं? मैं नहीं, मुझे तो रिंग चाहिए। अरे ठीक है तू रोवे मत, आ जा के रिंग, चल तू घर जा। अरे ला दूंगा। अरे गुरु तुमने वादा सा तो वादा कर लिया, मुट्ठी दोगे कहां से? सोच लिया। ठीक है ना? हाँ चलो। वासु जादू बिजली देख लिया और नाके पेटे भी देख लिए? ठीक है जा रहा हूँ मैं, जा रहे हैं ना? हाँ हाँ अभी देख कर रहा हूँ मैं, यू कह रहा कि नाके पेटे देख कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी आइए। हाँ जल्दी जा। घनी देर कर रहा पर अब तक आया नहीं। काम चोर बैठ गया होगा कहीं डोले पे, अरे तेरे सास कैसे चढ़ रहा? पिताजी खेत में जंगली सूअर, मैं तो उसे देख के भगा, इस बार सोच चढ़गा। सबसे बड़ा जंगली सूअर तो तू है, तुझे देख के उसका दिल का दौरा पड़ गया होगा। चुपचाप खड़ा रहा जोरू के गुलाम, तेरे बड़ा स्कूल में अपनी जा, अपना काम कर ले। पिताजी देख लो इसे, मैं छेद दूं इसे, फिर न कहियो मेरे से। छेद का दिखाना, तुझे यही रगड़ दूं नाड़ी में अभी। आजा आज मैं तुझे ही देख लूं। देख बता क्या देखे, जोरू के गुलाम तेरे में कितना दम है? तुम्हें दोनों को दोपहर ही चटकी दिख है, चलो घर को। पिताजी
जो क्या कर रहे हो? अरे गुरु ये तो आपका अंधा, इसे देख नहीं रहे हम क्या कर रहे हैं। अरे क्या करते, तेरी भैंस ले जा रहे हैं और बेचेंगे इसे? बड़ी सी ना चोरी, मेरी भैंस मेरे सामने बेचने को कह रहे ना, गांव में ढिंडोरा पिटेंगे कि हम रामकृष्ण की भैंस बेचने ले जा रहे हैं। हाँ। जा कर आराम कर, मेरे सामने मेरी भैंस को लेके जा रहे? अरे भैंस तो हम तेरी सामने ही लेके जाएंगे, भागो ना। काम करो इसे, तुम जितने भी बिक जाओ ना उतने की बेगे हो, इतने की बेगे हो जितने की गुट्ठी आ जा। गुरु वो राम किशन, अरे उसे मैं देख लूंगा, तुम जाओ उसे लेके। ठीक है। मेरी जान इतनी नफरत मत कर, तेरी नफरत में भी हमें प्यार नजर आता है। मेरी चप्पल में भी बहुत प्यार है, तू तुझे निकाल के। साले बहुत नखरे कर रही है, उस साले को तो ना करती। बहन तेरी हूँ, थोड़ा जितने पे आता इससे बहन होगी तेरी। साले तेरे तो काम से बाहर देख लूंगा मैं। देख चल सारे भी देख ले, फेर के देखेगा, फेर तो फेर हो जाएगी। अरे तेरा कैसे मुंह उतर रहा? वो गौतम। अरे छोड़ सुसरे उसे, देख मैं तेरे ने खिलाया हूँ। तीन लाया हूँ। वासु को इस तमाचे का जवाब मैं जरूर दूंगा, और वो भी ब्याज सही। उस्ताद ये बात तो बॉस को बतानी चाहिए, बॉस अपना बता लेंगे। अरे नहीं, पागल हो गया क्या? इतनी छोटी सी बात क्या हम बॉस को बताएंगे? और क्या करे उस्ताद, ये बताओ। अभी रुक जाओ, समय देख कर बदला लूंगा, उस वासु से भी और उस राधा से भी। उस्ताद ये है बॉस, है बॉस जो आज तक। यही तो बॉस की खासियत है कि आज तक मुझे भी नहीं पता कि वो है कौन। चाचा में कुछ पैसा दे दो। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। आगे चलू अब फिर शुरू हो जाएगी हमारे घर में गुलामी। पिताजी भारत में तो गुलामी चलेगी, पर पता ना हमारे घर तक जाएगी। अजी देख लो वासु क्या कह रहा है। तेरा बड़बड़ाना फिर शुरू होगा, एक रैपट में मिट्टी चटेगा। अरे मुझे मिट्टी बाद में चटा लिए, पहले इसकी गुलामी दे फ्री हो जा। चुप दरा रहा है, नहीं तो यहाँ से भागता ही पावेगा। वासु बेटा क्या तेरी जवान चुप नहीं रह सकती? रेवती तू ये बता, ये एक महीने का अंतर हुआ कैसे? माँ बता पिताजी को एक महीने का अंतर, हमें भी तो पता लगे। अजी चलो जी अंदर, इनका तो फिर से महाभारत शुरू हो गया। हाँ ले जाए इसे, हकी होएगी यू। पैर दबा दिए इसके। ठीक है चल परमिता। अरे ज्यादा मत बोल, है खेत पर चला जा, कुछ काम है कर लीजिए, नहीं तो लट रोड़ दूंगा। चल।
तो दारू पी रहा है भाई। मुझे पीने का शौक ना, पर पी रहा हूँ कम बुलाने के लिए। ओ कुली कर ऋषि कपूर, हो क्या गया? प्यार हुआ और टूट गया। अरे ऐसा कैसा प्यार है जो होने तो पहले टूट गया? कहीं गली की कुत्ती ऐसे तो नहीं होगा जो तुझे भौंक के चली गई? भाई तू भी पी ले एक घूंट, तुझे भी राधा नजर आओगी। ऐसा भी इसमें? हाँ भाई, इसे तो पी के रंग भी राजा हो जा और तुझे राधा न दिखेगी। अच्छा ऐसी बात है तो मैं इसे जरूर पीऊंगा। अरे ये तो बहुत कड़वी है, पर राधा दिखेगी इसमें। अरे ओए तू भी पी से। ना भाई मैं ना पीता। अरे एक आध घूट भर ले। ना 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 मैं नहीं पी करता। अरे पकड़े जा। अरे मैं नहीं मानू। ऊपर से सा। अरे ऊपर से सड़क से। अरे खोल दे। अरे सड़क होट खोल। अरे तेरा ससुरा। कहाँ से रहा? अरे गुरु ये बता, तू राधा से प्यार करता है? अरे यार पूछने वाली बात है क्या? वो मैं राधा से और राधा मुझसे प्यार करती है। गुरु हाय वो काम कर तू, तू राधा के घर जा और उसके खड़ूस बाप तो उसका हाथ मांग, जीवित जवाब मिलेगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ जा गुरु जा। यू तो मैंने सोची भी नहीं। अरे मुझे ना करनी शादी वादी, मैं तो
अरे राजवीर, अरे इसे क्या हुआ जो पकड़ के ले आ रहा? इसने शराब पी रखी, हमारे घर जाके बबल मचा रहा हूँ। हाँ, ये कसर बाकी रह गई थी, यू भी कर दिया आज पूरी। रमेश भाई, राम राम। साढ़े तेरा तो होगा ब्याह, मैं रंडवाड़ा खेगा इसे ले रहा, तीन भाई चार की को लेकर खुश हो रहा है। और प्याला साफ कर दूँ, मन्ना कहा था सिर पे ना चढ़ा, कर दिया ना इतना डसना शुरू। ठीक है भाई राजवीर, जो तू घर तक ले आया, आगे हम देख लेंगे इसे। ठीक है भाई रामचंद, मैं चला। पिताजी, अब तो इसने पहली बार करा, आगे इसके पैर फैल जाएंगे। रमेश तू ठीक कह रहा, रेवती आज मुझे यकीन हो गया कि ये एक महीने का अंतर क्यों हुआ। तुम मेरी ये बात मत कहा करो कि एक महीने का अंतर, किसी ने पिला दी होगी इसे बहला फुसला के। मम्मी, तुमने इसे पे चढ़ा रखा, दूध पीता बच्चा ना आयो। तुम सारे पागल हो रहे हो, हर पे बालक की भावना न समझी जा रही। अभी उतनी जा तेरी बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि तूने अपना जीवन साथी खुद चुना और मेरी मुश्किल भी आसान कर दी। मैं इस बात से तुम्हारी नाराज नहीं हूँ, लेकिन समाज को शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता बेटा, क्योंकि बेटा हम समाज में बंधे हुए हैं, इसलिए तू वासु से मिलना जुलना बंद कर। हाँ राधा, पापा सही कह रहे हैं, इन बातों का बवाल मच जाएगा, लोग बागों में गली में भी नहीं निकलने देंगे। पापा मुझे माफ कर दो, ये सब वासु ने नशे में किया है, वो ऐसा ना है। बेटा तुम जाओ और रसोई का काम करो। राधा बेटा तुम भी समझने की कोशिश करो बेटा। ठीक है पापा। खेलना चाहे हो इसका, ये इस घर में तेरे पे तीन भाई चार की तो थम जा रही।
जोरू के गुलाम है। बहुत होली परमिता, चल हम और बेइज्जती ना करवानी, चल कमरे में। अरे चले जाओ, रोक रहे हो तो मैं। चल कमरे में। अरे अब तेरे क्या हुआ? तुम्हारे हेलो, हम जा रहे हैं। तू आगे से हट, मुझे घर जाना देर हो रही है। चली जाना, पर कुछ तो हमारे हिस्से में भी आता होगा। अपनी माँ बहन को ले ले हिस्से में। अच्छा, माँ बहन तक पहुँच रही? आजकल बहुत जुबान चल रही तेरी। कुत्ते, मैं जुबान के साथ साथ मेरे हाथ भी चलते। अच्छा, आज दिखाता हूँ तुझे गौतम के मर्दांगी। छोड़ दे। अरे ओए, अरे क्या चल रहा है? यू मुझे लगे तुझे भी छठी का दूध याद दिलाना पड़ेगा ही। अरे आजा, तो कहाँ जा? हाँ भाई, तू के लेना ही है। उस्ताद, तुमने बोला था ना ये बात बॉस को बतानी चाहिए। उस्ताद, तुम्हें पता है बॉस के कितने खास आदमी हैं? अगर बॉस को पता चला। यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो, पर बॉस का ना तो आता है ना पता है, बताए कैसे? उस्ताद, क्या हुआ? जो चेहरे पर इतना डर हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस की चिट्ठी है। क्या उसकी छुट्टी है? क्या लिखा है इसमें, हमें बताओ जरा। क्या बताऊं, बॉस तो सारी बातों का पता लग गया है। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लगता है वासु का किया पांचा तो बॉस ही करेगा। वासु, अब बस साले, तेरी मौत नजदीक है। हमें इस मामले से हाँ, हमें बॉस के बीच में घुसना, मौत को दावा देना। उस्ताद, अब चलते हैं, बॉस के अगले आदेश की बात देखनी चाहिए। ठीक है, चलो। पहले क्यों बताई? वासु, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं रह सकती तेरे बिना। अरे रह तो मैं भी नहीं सकता तेरे बिना, पर चल एक काम करते, शादी करते हैं। नहीं वासु, हमें अपने परिवार वालों का मान सम्मान भी रखना है। तो मुझे लगे इस जन्म में हमारी शादी ना होने की फिर। अरे नहीं, मेरे पापा हम लोगों के रिश्ते से बहुत खुश है, बस कुछ समय रुकने के लिए कहा है। राधा के लिए बिना ना जिया जा। अरे ठीक है बाबा, मैं बोलती हूँ पिताजी से कि तुम्हारे पापा जी से बात करें। राधा, राधा, बैठी तो मैं तेरे पास। गुरु, अब तक डमरू नहीं आया, पता नहीं कहाँ रहेगा। और अब मुझे लगे हम ही पहले आगे दिखे हैं। अब तो लाइट भी नहीं आई है।
चल सब आओगे जब ठीक है, इतने में मूत्र विसर्जन कर आऊं। चल करिया। और सुन, पहले से खाट को ऊपर करवा। कभी मेरे साथ मत छोड़िए, तू ही मेरी माँ भाई बहन यार सब कुछ है। अगर तन्ने मेरे साथ छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। अरे मरेंगे हमारे दुश्मन, चल तू हंस के दिखा पहले। भाई भगवान से बस यही कहूंगा कि अगले जन्म में मुझे तेरा भाई बनावे। गुरु क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? भाई लमरू की बहुत याद आ रही है, अगर मुझे पता लग जाए सारा ही बॉस कौन है तो सारे कच्चे को खा जाऊं। बॉस सारा तू कौन सा फिल्म में छुपा बैठा है? अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल। बॉस जरूर मिलेगा, डमरू मेरे भाई इस बॉस का पता कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल मैं पागल हो जाऊंगा मेरे भाई, पागल हो जाऊंगा, पागल पागल हो जाऊंगा, पागल पागल हो जाऊंगा, पागल। भाई रुको, छोड़ो मुझे, मारोगे क्या? मेरे भाई डमरू मैं पागल हो गया, मुझे माफ कर देना। भाई ऐसे कर कहीं पहाड़ चले, इधर उधर घूम ले, तूने लंबू की याद भी नहीं आने की। चल गुरु कैसा है भाई? गौतम पता चला साढ़े तेरे नहीं मारा मैंने यार को। ठीक है रा भाई। नहीं डमरू, गौतम ने ये काम नहीं किया। नहीं भाई, उसी ने मारा मेरे यार को। वे ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो उस दिन पीकर राम पले खेत में पड़ा था। क्या फिर उसने ना मारा तो मारा किसने? भाई
लमरू के हाथ में बोस लिख कर रख। अच्छा फिर तो ये काम बोस ने किया है। बोस सारा बोस कहाँ मिलेगा यू? लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया है। हाँ भाई ये तो बात है, उसके चर्चे तो सुने हैं लेकिन आज तक किसी ने देखा नहीं वो। बोस कैसा है बेटा? नहीं राधा घर पर है, मुझे मिलना है। राधा तो बेटा अपनी सहेली के आ गई है। क्या बात थी मुझे बता दो, मैं आते ही उसे बता दूँ। बस कुछ खास ना है, बस मिलना है। वासु बेटा लमरू के हत्यारे का कुछ पता चला? नहीं अभी तो मुझे उसका नाम ही पता चला है। मिला भी पर साला हाथ तो लिखट गया। तुम चिंता मत करो, वो एक दिन जरूर फंसेगा। आप शिवानी को राधा को घर से बाहर मत भेजिए करो, उसकी नजर उन पे भी है। ठीक है मैं उन्हें समझा दूँ। और शिवानी कहाँ है? शिवानी भी राधा के साथ गई है। चलो ठीक है तुम, मैं चलता हूँ। Thank you.
वासु, तू हमारे घर गया था, पापा बता रहे थे मुझे। हाँ गया, तुम अपनी सहेली के यहाँ भी जा रहे। हाँ बता क्या बात थी। राधा ने ये कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल जाओ। वासु क्या कह रहा तू, होश में तो है? मैं ठीक कह रहा हूँ, तू मेरी जिंदगी से दूर चली जा। मैं कहीं ना जा रही। तू समझ क्यों ना है, मुझे बॉस की तलाश है, पता ना बॉस मुझे मार दे या मैं बॉस को मार दूं। वासु हमने वादे किए थे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। राधा तुम पागल तुम छोड़ दे। वासु तेरी सुहागन के बजाय तेरी विधवा बनकर जीना पसंद करूंगी। राधा चुप हो जाओ, अगर अगली बार तुमने कुछ कहा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राधा तैने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया, अब बॉस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ देगा। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। ताज, आपको दिल को तसल्ली मिल गई होगी? हाँ, ये बात तो है। उस्ताद अभी देखिए आगे आगे बॉस का क्या क्या निशाना है। और हाँ, बॉस का संदेश आया है, वो अगले कार्य की जल्दी ही सूचना देंगे। और उस्ताद अभी तो लमरू मरा है, अब डमरू की बारी है। अगर डमरू मर गया वासु तो वैसे ही मर जाएगा, वो उन दो बंदरों से बहुत प्यार करता है। पर उस्ताद बॉस से मिलने का बहुत मन है। वासु वो तब मुझे पता बॉस कहाँ है, पर तू ऐसे नहीं बताएगा। वानू मुझे सच्ची लापता भाई कहाँ है वो, बिल्कुल लापता मुझे भाई। आज तक उस सूचने को किसी ने देखा ही नहीं, पर हाँ मैंने सुना वो हर सोमवार को शिव मंदिर में आवे। मंदिर पता कौन सा मंदिर है भाई? प्राचीन मंदिर जोड़ता खेतू में। अरे डमरू तुझे लेने आया है यहाँ। अरे गुरु तू यहाँ क्या कर रहा? अरे मैं तो ससुरे बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। और मैं भी लमरू की जो है लंबी उम्र उसकी आत्मा की शांति के लिए जो है प्रार्थना करने आया था। आज साला बॉस नहीं बचने का मेरे हाथों से, वो साला हर सोमवार को मंदिर में पूजा करने आवे, उसका इंतजार करूंगा। तो कहीं दिखाई दिया भाई? अरे अब तक तो ना दिखाई दिया, और साले का नियुक्त तो ना पता है दिखे कैसा है वो। गुरु मुझे लगता है कहीं तुम्हारे आने की उसे भनक लगती हो। यार डमरू मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब तू बता ना क्या करूं। भाई मैंने भी लमरू की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर ली, अब दोनों प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं उसकी पाठ। गुरु शाम भी होगी और मेरा भी टाइम आज शाम की लगा, मुझे तो लगता नहीं वो आ जाए, उसे भड़क लग गई। भाई अब चल घर चल। चल भाई चल चल। राज भैया तुम्हारे परिवार वालों को और मेरे परिवार वालों को बॉस के आदमी उठा के ले गए। बॉस सारे हाथ तेरी मौत।
बॉस निकट बाहर, मैं आ गया। सबर रख सबर, बॉस अभी आने वाले है। आज उस बॉस को आने दे, साड़े की कब्र यही बना दो उसकी। कुत्ता तो मेरे कब्जे में है, पिल्ले को भी आज ही दफन कर दूंगा। मुझे पता नहीं तेरे माँ बाप मेरे कब्जे में है। साले अबे इसको, अरे कौन है तू? तेरी मौत। उस दिन तो तू मेरे कब्जे से हट गई। रेवती, ये अठवां सा बेशक है, पर आज मुझे ये यकीन आ गया कि ये मेरा ही है। आज मैं परेशान भी नहीं हूं। मैं मनोज गुजर, देहाती फिल्म एक्टर। आज मैं अपनी एक फिल्म का उद्घाटन करवाने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम है पलंग। हमारे एसीओ साहब जी हैं ओमपाल सिंह गुजर, और हमारे पिताजी हैं तेजवीर सिंह भिदूड़ी, और आल टीम है हमारी। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करो, ज़्यादा तो कहना कुछ आता है, डायलॉग ही बोल सकूँ। पेट भगवान का नाम लेकर, हाँ बोलो बोलो कुछ, बोलो भगवान का नाम बोलो। गणेश जी का लो, बोलो शंकर भगवान की जय। कोमल कोमल जल्दी कर।
संदीप कैमरे को बंद कर दे।